रेसिस्ट क्या है, रेसिस्ट में तो पूरा आधा तो हिंदुस्तान बेच के खा गए जो लोग। अच्छा। और अरे यार पूरी तेल कंपनियां भारत की जो है दिल्ली का लाल किला गिरवी डाल दिया, और क्या क्या रह गया बाकी इनके पास में। अरे जो संपत्तियां थी जो सरकार की हिंदुस्तान की चलाने की, वो तो आपने गिरवी डाल दी। तो बहेड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बरेली विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे विधानसभा चुनाव, जो आगामी विधानसभा चुनाव यूपी में है, उसको लेकर जनता का क्या मूड है, या अभी जो सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, उससे जनता कितनी खुश है। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद असलम है जी। क्या लगता है किस तरह से देखते हैं इस सरकार को, जो कार्यकाल पूरा होने का है योगी आदित्यनाथ की सरकार, कितने खुश हैं इससे? कुछ क्या है, जैसे लॉकडाउन के मारे हुए हैं, सब काम धंधा है नहीं, इंसान का मतलब परेशान है पब्लिक। केंद्र सरकार में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 360 रुपए का हमें सिलेंडर मिलता था, आज कितने का सिलेंडर है। हम तुरंत ही उसी टाइम गरीब आदमी, उस टाइम पे जब 350 रुपए का था तो 150 रुपए कम पड़ते थे, किसी से उधार लेगा तब लेता था। 350 रुपए तो ये क्या कहते थे मुख्यमंत्री थे कि अरे भाइयों बहनों इतनी महंगाई, 350 रुपए का गैस, 55 रुपए को डीजल, आज इनकी सरकार में क्या 100 रुपए को पार। क्या करेंगे गरीब आदमी, क्या करेगा। वैसे एक बात है, हाँ गुंडा जो गुंडागर्दी थी वो नहीं है इतनी। गुंडागर्दी कैसी थी? जैसे यार जैसे एक दूसरे के ऊपर मुकदमे लगना, जेल लगना, वैसे वो बात नहीं है। जैसे वैसे पुलिस प्रशासन सही है, सुनने आए, ऐसा नहीं है कोई वो हो, मगर हाँ इसमें महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी कमर तोड़ दिए, 5 रुपये गरम मसाला नहीं ले सकते हम। लोगों का ये भी कहना है कि भाई राष्ट्रहित में अगर महंगाई भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रहित क्या है, राष्ट्रहित में तो पूरा आधा तो हिंदुस्तान बेच के खा गए जो लोग। अच्छा। और अरे यार पूरी तेल कंपनियां भारत की जो है दिल्ली का लाल किला गिरवी डाल दिया, और क्या क्या रह गया बाकी इनके पास में। अरे जो संपत्तियां थी जो सरकार की हिंदुस्तान की चलाने की, वो तो आपने गिरवी डाल दी। आदमी क्या करेगा, महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और मजदूरी में क्या हो रहा है, वही 500 रुपये की मजदूरी है। 500 रुपये में हम रोज लेकर अगर दुकान पे खड़े हों तो और भैया दुकानदार के कर्जा हो जाएगा 100-125 रुपये का। मगर क्या होता है, इकट्ठे में आदमी लिया था, कभी उससे लिया या कभी उससे लिया या ऐसे अपना घर चला रहा है आदमी। आज हम जी अलीगढ़ का ये तो अब इन्होंने तो नाम बदलना चालू कर ही दिए सबके, नाम तो ये पूरे हिंदुस्तान का ही बदल देंगे। अच्छा। क्या लगता है तो? अब जब इंसान को परेशान भाई परेशानी, भाई साहब पेट्रोल लेने जा मैं 100 रुपए लीटर, डीजल लेने जा रहे 100 रुपए लीटर, इतना काम है नहीं तो परेशानी है इंसान को। अच्छा। क्या माहौल है जनता का, आप जो चुनाव आने वाले उसको लेकर? सपा को, सपा को देंगे जी आपको। सपा के आने से सब सही हो जाएगा? अब देखो जी, वो तो अल्लाह ही जान सके इस बात को, तो भाई साहब या नेता जान सकता है, भरोसा ही कर सकते हैं यहाँ पर आप तो। अच्छा भाई, यहाँ पर हम तो भरोसा ही कर सकते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के जो वादे हैं, अभी 4 लाख रोजगार की वो बात कर रहे हैं, किसानों को 2000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, ये आपके खाते में सब आ रहा है, सब कुछ है ये? हमारे खाते में कोई पैसा नहीं आया भाई साहब। अच्छा। हाँ गेहूँ तो मिल ले जो बात है, फिर ये वाला गल्ला तो मिल रहा है। हाँ वो मिल रहा है जी गल्ला। अच्छा, बस यही है जी और कुछ नहीं। बाकी पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार को कैसे देखते हैं? भैया लॉकडाउन के मारे हैं भाई साहब बार बार, हम तो ये कहेंगे हिल्ला परेशान है, हिल्ले से, हाँ हिल्ले से परेशान है पब्लिक सभी, महंगाई बेहिसाब बढ़ गई। अब आप भी जान तो आदमी 200 रुपये कमा के लाएगा, 500 का खर्चा, तो परेशानी तो आएगी सामने। बस जी, क्या नाम हुआ? बाबू। क्या लगता है चुनाव में जनता जो है किन मुद्दों के साथ इस बार वोट करने वाली है? सर ये देखो, ये पहली बात तो महंगाई, जब महंगाई बढ़ेगी गरीब परेशान होगा ज़्यादा, जो अमीर है वो तो अमीर हो रहा है, जो गरीब है और ज़्यादा गरीब हो गया है इस सरकार में। अब सरकार बदलेगी कुछ सुकून मिलेगा, सरकार बदलेगी जी, समाजवादी की सरकार आएगी फिर पलटेगा, कुछ सुकून मिलेगा। समाजवादी की ही क्यों, कांग्रेस या बसपा या कोई और दल क्यों नहीं? यूपी में तो समाजवादी की आना है जी। वैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में? वैसी तो खैर, वैसी तो लड़ रहे हैं, वैसी को फायदा हो, बीजेपी को फायदा होगा वैसी से, और किसी को नहीं हुआ। अच्छा जी, ऐसा क्यों लगता है? जो भी वोट कटेंगे
बीजेपी को ही फायदा होगा, बीजेपी को ही फायदा होगा। जो भी ओवैसी वोट लेंगे वो मुसलमान वोट कटेगा, वो समाजवादी का ही कटेगा। अच्छा, ओवैसी के आने से मुसलमान वोट जाएगा ओवैसी को, नहीं जाएगा? जाएगा साहब, कुछ तो जाएगा ही। कोई पार्टी को समझ के देगा, कोई ओवैसी को समझ के देगा, कुछ तो वोट देगा ही। सारे यहाँ के इलाके में किस किन मुद्दों पे वोट देगी जनता? सर ऐसा है ना, मुद्दा क्या, सबसे पहले महंगाई, महंगाई कम होना चाहिए। तेल जो 120 रुपए लीटर था, आज 200 रुपए लीटर तेल, खाना तेल, गरीब आदमी क्या करेगा? 300 रुपए 250 रुपए कमाई कर रहा है, 500 रुपए खर्च है उसके घर का, वो क्या करेगा, कहाँ से लाएगा? क्या कर दे जी? मैं यही राजगिरी, राजगिरी का काम करते हैं। तो आपकी दहाड़ी भी तो बड़ी होगी उस हिसाब से? दहाड़ी नहीं बड़ी है, दहाड़ी तो वही है जो आज से 5 साल पहले चल रही थी। कितनी है दहाड़ी? वही 500 रुपए, पहले तो 200 थी ना? नहीं, राजमिस्त्री 500 रुपए है, लेकिन वो रोज काम तो नहीं है, महीने में साला 15 दिन काम हो रहा है। 250 रुपए की दहाड़ी तो अपने आप ही हो गई महीने पे, काम कम हो गया है। किसान के पास पैसा नहीं है, बिजनेस में पैसा नहीं है, तो फिर मजदूर आदमी कहाँ से काम कराएगा? महंगाई कम हो, गरीब को सुकून मिले या मजदूर को सुकून मिले या काम ज़्यादा हो या जी। यहाँ के जो विधायक हैं वो कैसे काम कर रहे हैं? विधायक साहब यहाँ के क्षेत्रपाल है, बहुत बढ़िया, बेहतर आदमी है, बहुत बढ़िया। कौन सी? बीजेपी के, बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा जी, बढ़िया, सबकी तो सुनते हैं। लगता है कि वो फिर से जीतेंगे? हो सकता है सर, वो जीतना उनको, उनको जीतना जीतेंगे, यहाँ पे जीतेंगे तहसील बैड़ी से। अच्छा, मुस्लिम वोट भी जाता है? मुस्लिम वोट जाता है, वो सबकी सुनते हैं, कोई उनको जात बिरादरी या किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो सबकी सुनते हैं। अच्छा जी, विधायक बहुत बढ़िया हमारे यहाँ के, बाकी पार्टी जो है ये इससे परेशानी होती है। पार्टी भी तो कहती है ना सबका साथ सबका विकास, वो भी तो मुस्लिमों को साथ लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारे मुसलमान त्योहारों पे सब पे पाबंदी लगी हुई है। त्योहारों पे तो पाबंदी वो बीमारी की वजह से है। होली पे पाबंदी कहाँ लगी थी? सभी त्योहारों पे पाबंदी है। देखो कावड़ यात्रा कहाँ रोकी, यात्रा सिर्फ रोकी गई है, कोई होली पे कोई पाबंदी नहीं थी, मुहर्रम पे पाबंदी लगी हुई है, ईद पे पाबंदी लगी हुई थी। अच्छा, अगर पाबंदी है भी तो वो आप ही के तो फायदे के लिए है? नहीं तो फायदा क्या उसमें? फायदा ये है कि आप बीमारियों से दूर रहोगे। बीमारी से दूर तो कोई भी पब्लिक ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से टच नहीं है, अलग है, सब एक साथ में है, सब साथ में घूम रहे हैं, कौन सा कोई काम नहीं रुका हुआ है, सब पहले जैसा काम हो रहा है, सब बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, दो गज की दूरी किसी की नहीं है। बसें ट्रेनें भी तो लॉकडाउन में रुकी हैं ना? तो अब तो नहीं रुकी हैं, अब तो सब भीड़ भाड़ लग रही है, अब तो त्यौहार कर लेने दें। मतलब आपका कहना ये है कि पक्षपात हुआ है त्योहारों के? जी बिल्कुल हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कमर। क्या 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 लगता है, क्या कहना चाहते हैं, सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार सही काम कर रही है तुम्हारी सरकार, मतलब महंगाई ज़्यादा है। अच्छा। बस ये है, महंगाई की मार से मर रहा है आदमी, क्या करे, गरीब सब ठीक है, गरीब आदमी क्या करे, ये बताओ, उसकी इतनी दिहाड़ी नहीं है, इससे ज़्यादा महंगाई है, उस हिसाब से सबसे महंगाई ज़्यादा है। सिलेंडर से पहुँच गया, सब्सिडी आदि वो भी बंद हो गई, सब्सिडी आना बंद हो गई, खाना तेल इस भाव का पहुँचा, डीजल इस भाव का, पेट्रोल इस भाव का, क्या करे आदमी, जी महंगाई की मार है नहीं, गरीब आदमी के लिए ये परेशानी है, और क्या परेशानी है। थोड़ी माहौल क्या है, अगर आगामी चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? यहाँ तो सब सपा का पल्ला भारी लग रहा है। सपा का? हाँ, वैसी भी तो आ रहे हैं, आने दो, क्या है, आने आते तो हैं सब लोग, ऐसा नहीं है ना, अब हर आदमी लड़ता है। चाचा क्या? हमें नहीं देना। क्यों नहीं देना? नहीं देना है। बात बताओ। क्यों देना है? वो वैसे वहाँ का, हमारे इधर का वो थोड़ी करना है। आप बनाओगे तो इधर का भी हो जाएगा? नहीं, हम नहीं बनाएंगे, उसे क्यों बनाएंगे, हम अपने क्षेत्र में जो हमारे उसे बनाएंगे। अच्छा। हाँ, जो हमारा काम सही करता है वो उसे बनाएंगे। कौन करता है आपका काम? अखिलेश यादव करता है काम सही। हाँ हाँ, योगी सरकार में काम सही नहीं हुआ? अरे कहाँ हुआ, कुछ नहीं, इतनी महंगाई है, कुछ भी नहीं हुआ।